हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर 21 ब्लॉग्स। तो क्या हाल चाल गाइस, मैं हूं नवो कुमार, आप सबके सामने एक नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो गाइस, आज का प्लानिंग है, फिलहाल तो जागी रोड जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नदीघाट जो कि असम और मेघालय बॉर्डर में है, तो जहाँ पे एक नदी है। और गाइस, आज सबसे खास चीज़ यह है कि आज अमन भाई का बर्थडे का पार्टी दे रहा है अपन लोग को। मैं, हृदय, अपना माइकल भाई अपने साथ रहेगा। अमन का बर्थडे लगभग 12 तारीख को गया उसका बर्थडे, वो सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो घर, मतलब वो तो रहता है जागी रोड में और हम लोग का घर जाना होता है गुवाहाटी से रोज सैटरडे को। तो गाइस, आज है सैटरडे, तो फाइनली आज थोड़ा जल्दी निकल गए हैं ऑफिस का काम वगैरह ख़त्म करके। तो चलो गाइस, फिलहाल तो आज हृदय का रूम से ही ब्लॉग शुरू किया है, आगे आगे अपना हृदय भाई जा रहे हैं, तो अभी सबसे पहले लंच करने जाएंगे, कुछ ना कुछ खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो चलो गाइस, जयानगर के साइड जा रहे हैं। तो विश्वकर्मा पूजा भी आ गया है, मंडे को विश्वकर्मा पूजा है, तो इसलिए आज बाइक वगैरह धो के पूरा क्लियर करके रखे हैं। तो पूजा के दिन बस मेरे को पानी मारने से हो गया क्योंकि ऑलरेडी बाइक पूरा क्लीन है। अमन और माइकल अपने लिए रुके हुए हैं जागी रोड पे, हमें उन्हें पिकअप करना होगा जागी रोड से, फिर हम लोग जाएंगे नदी घाट। तो अभी भी टाइम है, तो चलो गाइस लंच वगैरह करके फिर रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो गाइस, खाना पीना हो गया है और फाइनली जयनगर से हम लोग निकलते हुए, टाइम हो गया है 2 और थोड़ा सा लेट हो गया है, खाना पीना खा लिया ना इसीलिए, नहीं तो वहाँ पर जाकर खाना पीना खाना होगा नहीं। और फाइनली गाइस, जागी रोड की ओर। ये है खाना बड़ा वाला रास्ता, ये है केवी डागी रोड, और सॉरी केवी खाना बड़ा, केवी डागी रोड का लड़का हूँ ना, इसलिए केवी डागी रोड ही मुँह से निकल गया है। हेलो भाई, I'm craving hope in this darkness. तो वहाँ ने खाना बड़ा फील पहुँच गए हैं। You say I'm just a joke, just a joke. Jesus must my soul. तो गाइस, ये है खाना बड़ा पॉइंट, आप अपर असम अगर जाना है तो यहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं अपर की ओर। आपको कहीं भी जाना है, अपर जाना हो, डिमापुर जाना हो, हाफलोंग जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपको यहाँ पे मतलब आपको बस मिल जाएगा। मेन जो बस है हम लोग का ISBT है, और थोड़ा आगे बालाजी मंदिर के ठीक सामने।
हम लोग अभी पेट्रोल भराएंगे और यह है गणेश मंदिर गाइस, बहुत पुराना मंदिर है ये, जय गणेश बाबा। तो गाइस पेट्रोल वगैरह भराना हो गया है, तो फाइनली अभी कहीं रुकना नहीं है और अपन को निकल जाना है सीधा जागी रोड। तो गाइस चलो गणेश बाबा का और एक बार नाम लेते हैं और निकल पड़ते हैं सीधा। जय गणेश बाबा। आराम आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो गाइस ये जो नजारा है काफी खूबसूरत लगता है और पहाड़ दिखने से तो जाने को ही मन करता है थोड़ा दूर। तवांग हो गया अपना, मेघालय हो गया, शिलोंग के साइड जो भी है, चेरापुंजी के साइड, ये सब जगह जाने को मन करता है गाइस। बहुत दिन हो गया, बहुत महीना हो गया, आफ्टर अप्रैल आफ्टर तवांग ट्रिप कहीं गया नहीं है, तो बहुत दिल करता है जाने को। यहाँ से शिलोंग 80 किलोमीटर और यहाँ से एक पॉइंट आता है आगे से, जहाँ से राइट जाने से आप मतलब मेघालय पहुँच जाएंगे। और ये है मेन जोराबाट। तो ये जो रास्ता है यहाँ से मेघालय शिलोंग, मेघालय का शिलोंग आप जा सकते हैं और हम लोग सीधा जा रहे हैं इस साइड में अपर असम, मिडिल असम, कहीं भी आप जा सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी पार्ट आप इस साइड से जा सकते हैं, कोई भी पार्ट, चाहे अरुणाचल हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, आप इस साइड से ही आपको जाना है। ट्रेन भी आपका इसी साइड से जाता है, बस भी इसी साइड से आपका जाता है। तो जो पहाड़ का जो कर्व्स है वो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, जोरावर का कर्व स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ऐसा है फिर ऐसा आएगा। तो गाइस चलते चलते सोनापुर का टोल गेट पहुंच गया है, एग्जैक्टली इसको नाजिरा का टोल गेट बोलते हैं, तो सोनापुर भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। आजकल जगह जगह में बहुत ज्यादा टोल गेट हो गया है,
टोल गेट बनाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रास्ता तो अच्छा होना चाहिए। रास्ता का ज़्यादा कितना कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, तो टोल गेट का पैसा देके कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ये चीज़ सरकार को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अगर टोल गेट में पैसा ले रहा है तो रास्ता भी एकदम टिप टॉप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। देख सकते हैं साइड में जंगल ही जंगल है और रास्ता में गड्ढा ही गड्ढा है, तो ये टोल का पैसा जा कहाँ रहा है? तो यहाँ पे एक SSB का बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बना हुआ है, हेड ऑफिस तो बहुत बड़ा है। और इधर है सोनापुर कॉलेज, ये रहा गेट। और ये मेरा सेकेंड मोटर ब्लॉग है, जो कि चलते चलते वॉइस ओवर दे के मैं बढ़िया से आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर चलते चलते जो वॉइस ओवर देने में जो मज़ा है ना, वो बाद में देके मज़ा नहीं है, क्योंकि चलते चलते जो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स के साथ हम लोग वॉइस ओवर दे सकते हैं, बट बाद में वो फीलिंग्स नहीं रहता मन में। मेरा ओपिनियन है, बाकी का पता नहीं। तो सोनापुर फ्लाईओवर के ऊपर फाइनली चढ़ते हुए, ये पूरा मार्केट एरिया है सोनापुर का, इस साइड भी है। पेट्रोल पंप भी है, किसी को भराना हो तो भरा सकते हैं। ब्रिज का लेफ्ट से साइड से जाके आप इसके यहाँ पहुँच सकते हैं। सोनापुर पार हो के ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सामने देखो पूरा पहाड़ वाला व्यू है, बहुत मस्त नज़ारा है। और मेघालय का एक रेल लाइन यहाँ पे बनाया गया है, मेघालय की तरफ जाने वाला रेल लाइन, लेकिन आज तक शुरू ही नहीं हुआ है, पता नहीं किस लिए। बट ये ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है, ये मेघालय का तरफ रेल लाइन जो जा रहा है उसी का है। तो गाइस क्षेत्री ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है जागी रोड के लिए, और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे जागी रोड, मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो क्षेत्री में भी एक वाटरफॉल है, टेगेरिया वाटरफॉल, जो कि आप थोड़ा ही आगे से आप राइट साइड से आपको आप लोग जा पाएंगे। तो इधर में एक रास्ता है, आप इधर से राइट साइड से सीधा आप टेगेरे वाटरफॉल जा सकते हैं, इधर से सीधा आप टेगेरे वाटरफॉल जा सकते हैं। और अच्छा वाटरफॉल है, बढ़िया है, अपना लोकल वाटरफॉल। तो कभी संडे को अगर आपको टाइम पास राइड करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, गुवाहाटी से हो या नौगांव जागी रोड से हो। तो गाइस खेत्री हम लोग घुस गए हैं, तो गाइस फाइनली टोपातली पहुंच गया है।
और हम लोग घूम फिर के फिर यहीं पे आएंगे। यहाँ से हम लोग जो राइट साइड में जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, इधर से हम लोग जाएंगे नदी घाट। तो पहले उन लोग को लेके आते हैं, जागी रोड भी पहुँचने वाले हैं, लगभग और 2-3 मिनट है पहुँचने के लिए। तो जो टाउन है वो पहुँचने के लिए 2-3 मिनट है, बट लगभग जागी रोड एरिया हम लोग घुस चुके हैं। तो अमन और माइकल को लेंगे स्टेशन से और हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग स्टेशन से ही यू टर्न होकर फिर जगह चले जाएंगे, क्योंकि घर जाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगा, इसीलिए घर हम लोग जाएंगे नहीं, सीधा घर हम लोग शाम को ही घुसेंगे। तो वेलकम वाला फ्लाईओवर ये रहा। तो गाइस ब्रिज पार होके फिर और एक ब्रिज पार होंगे, उसके बाद ही पहुंच जाएंगे हम लोग जागी रोड टाउन। तो लगभग जागी रोड घुस गए हैं गाइस, फाइनली अपना होम टाउन कुछ ही देर में। अच्छा लगता है जब घर आते हैं, क्योंकि पूरा सप्ताह रहते हैं गुवाहाटी में, काम 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 काम, सैटरडे संडे को ही कहीं जाना होता है तो जाते हैं, वरना घर ही आते हैं, कुछ काम वगैरह नहीं होता है तो गुवाहाटी में। गाइस क्या बोले, पहुंचने वाले हैं, गाने का मजा लीजिए फिर से, म्यूजिक के साथ साथ राइड भी मजा लीजिए। वेलकम टू जागी रोड गाइस, वेलकम। अभी पूजा का सीजन भी शुरू हो गया है, विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, फिर दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी पूजा ही पूजा है गाइस। तो प्लान बनाएंगे और अच्छा अच्छा जगह जाने का पूजा के बीच में। तो गाइस फाइनली जागी रोड टाउन, और ये पूरा जागी रोड मार्केट है। उफ, बहुत गर्मी है। फाइनली अपना स्वीट जागी रोड टाउन, और इसको भी इस एरिया को बोलते हैं चाराली, क्योंकि चारों साइड से जाने का रास्ता है। और हम लोग अभी लेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट में एक बहुत खास चीज है, ये पूरा जो है ड्राइफिश मार्केट एरिया है। और ये ड्राइफिश मार्केट का एक खासियत है कि ये एशिया का नंबर वन और लार्जेस्ट ड्राइफिश मार्केट है। देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं धूप में, तो नंबर वन एशिया का लार्जेस्ट ड्राइफिश मार्केट है। तो फाइनली स्टेशन भी पहुंच गए हैं, ठीक ड्राइफिश मार्केट के बाद ये स्टेशन। तो गाइस अपना माइकल भाई और अमन भाई आ गया है, और अभी निकलते हैं सीधा कोट को लेते हैं सीधा नदी घाट। I'm just a joke, just a joke. Jesus must my soul burn. तो गाइस फाइनली जागी रोड से निकल गया है और आगे आगे अपना अमन भाई और हिडे भाई, मेरे पीछे है माइकल भाई, चलो कहने की बता कहो। बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है, अभी तो सीधा आंख में लग रहा है।
आने के टाइम तो पीठ में लग रहा था, अभी पूरा आंख में लग रहा है। और अभी जाना है अपन लोग को लेफ्ट साइड से नोदी घाट। ओह गाइस, तोपातोली कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर एरिया है। हाँ, तब भयो 34-35 होल, 34 होल, 33-34। तो गाइस तोपातोली पार होके सीधा अंदर जा रहे हैं। क्या मस्त छाव के बीचों बीच से जा रहे हैं, दोनों साइड पैरों से भरा हुआ है और रास्ता अच्छा हो गया है। पहले रास्ता बहुत खराब था, अभी पूरा ब्लॉक लगा दिया है हर जगह। बढ़िया बढ़िया, देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधों से भरा हुआ है। और बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हुए दौड़ने का, पुलिस में शायद अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करते हुए हिल्स में। और हिल्स में प्रैक्टिस करने का जो आदत है वो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ झेल पाने का जो सहन शक्ति है वो हो जाता है। और देख सकते हैं हम लोग फाइनली हिल्स में, रास्ता बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया रास्ता, पहले बहुत खराब था। बोरिया बोरिया रास्ता, हाँ जबरदस्त रास्ता है गाइस, जबरदस्त मस्ट विजिट प्लेस है अभी तो फिलहाल। वीकेंड में जरूर आए यहाँ पे, मजा आएगा मजा। जय शिव शंभू। तो बढ़िया से दोनों साइड में दो मंदिर है यहाँ पे, बहुत अच्छा कलर वलर करके पूरा ब्रांड न्यू बना के रखा है। अच्छा है गाइस, अच्छा है, बहुत सालों बाद आ रहे हैं इस जगह में, बहुत सालों बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आके। नीट एंड क्लीन रास्ता, कोई गड्ढा नहीं है, तो बढ़िया से टपाटप आप आ सकते हैं यहाँ पे। ऑसम। और ये है असम मेघालय बॉर्डर, जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं लगभग मेघालय पहुंचने को आ जाता है। बहुत बढ़िया रास्ता है, बाइक चला के ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है शिलोंग जा रहे हैं मेघालय का, वो फील दे रहा है रास्ता। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं, नोदी घाट पुमसियांग पहुंचने के लिए और 1 किलोमीटर। तो मैं बोल रहा था कि जो पहला जो गांव आता है मेघालय का, उस वो गांव का नाम है उमसियांग, जो कि अभी 1 किलोमीटर है। तो उससे पहले असम बॉर्डर खत्म हो, असम खत्म हो जाता है और मेघालय बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं काफी बढ़िया रास्ता है, बढ़िया।
आज होगा हमारा अमन का पार्टी, बर्थडे पार्टी, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। ओ छाव ही छाव है, क्या मजा आ रहा है। थोड़ा सा भी मतलब थकान महसूस नहीं हो रहा है। वेणु गोपाल अय्यर हैप्पी बर्थडे। बोलिया बोलिया, मजा मजा। और गाइस पहुंच गया है नदी घाट फाइनली। और हम लोग असम क्रॉस करके ये रहा बॉर्डर, मेघालय पहुंच गया है मेघालय बॉर्डर। तो गाइस थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, कुछ खाने को खरीद लेता है, फिर निकलते हैं पॉइंट तक, नदी तक। तो गाइस फिर से मेघालय से बैक टू आसाम बॉर्डर। तो गाइस यही है नोडिघाट पॉइंट। हम लोग गांव के तरफ से आते हैं यहाँ पे खोड़ी काटने के लिए, बांस काटने के लिए, अपना भेड़ा घर के लिए ट्रेडिशन है अपना। तो देख सकते हैं छाव ही छाव है, चारों तरफ सेगुन गॉच है, सेगुन गॉच। बढ़िया, वीकेंड में आने के लिए अच्छा है, वीकेंड पार्टी करने के लिए भी अच्छा है। बढ़िया एकदम, ये नदी ही बॉर्डर है। इस साइड में असम है हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं अभी, और उस साइड में मेघालय है। नहाने के लिए जगह है, बस ज़्यादा गहराई वाला जगह में मत नहाइए, थोड़ा जगह देख के नहाइए, हर जगह नहाने का नहीं है, वरना आप डूब सकते हैं। My darling, rose and fire, you're a liar. You say, my darling. गाइस वो था नदी और ये रहा रास्ता। ठीक रास्ते के साइड में आप यहाँ पे जा सकते हैं, साइड में उतर के यहाँ पे। तो बहुत गर्मी है इसलिए मैंने शर्ट वगैरह खोल दिया है। और गाइस यहाँ पे आप लोग वीकेंड में आ सकते हैं, बहुत बढ़िया रास्ता, तो ज़बरदस्त अल्टीमेट है। तो चलो थोड़ा बैठते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस। देखो यहाँ नीचे में, ठीक रास्ते का सामने यहाँ नीचे में आप बैठ सकते हैं, वहाँ भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ अपना गैंग। तो बहुत ज़बरदस्त वो। तो गाइस नहाने जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लिया है, तो अभी नहाने जा रहे हैं फाइनली। और इधर अपना ये लोग रेडी है नहाने के लिए, और हम भी पहुंच गए हैं नहाने। ये रहा नदी और इधर हम लोग नहाने वाले हैं गाइस, नहाने वाले हैं। ये आप लोग भी जरूर आएगा इस वीकेंड में, मजा आएगा मजा।
तो गाइस फाइनली सब खत्म हो गया है और ये है अपना माइकल भाई। माइकल पार्टी कैसा लगा? ये बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय ब्रो, बर्थडे बॉय अपना अमन भाई, लेट बर्थडे, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हिदय। या तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्त नहीं हुआ है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्टी बाकी है लेकिन वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे गाइस। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय गाइस। आते हैं उतने की।